चैनल बॉलीवुड स्पाई। मैं सोनिका जोयाल एक बार फिर से बिग बॉस का पब्लिक रिएक्शन लेकर, और जो लास्ट शो गया ना बहुत ज़्यादा धमाकेदार, हमेशा की तरह टास्क हुआ था तेजस्वी को संचालक बनाया, उसके बारे में पूछेंगे कि उन्होंने फेयर खेला अनफेयर खेला। इसके अलावा प्रतीक के गेम के बारे में पूछेंगे कि फिर से वो खेल छुपाते हुए नजर आए, प्रतीक गिरी करते हुए नजर आएगी। और एक और चीज़, लास्ट में हमने देखा कि करण कुंद्रा और तेजस्वी की थोड़ी सी बातचीत चल रही थी, तो क्या पब्लिक इन्हें ऐसा कपल देखना चाहिए आगे? तो चलिए ये सारे सवाल पूछेंगे पब्लिक से, लेट्स गो। बिग बॉस 15 फॉलो कर रहे हो? यस। कल के टास्क में जैसे हमने देखा तेजस्वी संचालक बनी थी, पहले तो ये बताइए कि क्या उनका संचालन आपको सही लगा? हाँ, अच्छा लगा, सही भी है उन लोग का संचालक बनना। अच्छा। बहुत मज़ा भी आता है, एंटरटेनमेंट होता है उन लोग का। हाँ। वो संचालक की वजह से। तो कल आपको लगा कि वो फेयर थी? यस, फेयर थी, लग रहा था। लग रहा था फेयर। हाँ। अच्छा, और प्रतीक का गेम आपको कैसा लगा? प्रतीक पहले जैसे ही है, मतलब कुछ बदलाव तो है नहीं उसमें। हील उन्होंने पहले छुपा। हाँ, वही कि वही फिर से दोबारा वही गेम खेल। हाँ हाँ, ऐसे लग रहा है, ऑलमोस्ट कुछ चेंज तो नहीं उनमें फिर। ओके मैम, बिग बॉस 15 फॉलो कर रहे हो? हाँ जी, कर रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी गेम? अभी तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा। 2-3 वीक और निकलेगा, फिर पता चलेगा गेम क्या है। ओके कल के टास्क में हमने देखा जो संचालन कर रही थी तेजस्वी, कैसा लगा उनका संचालन? फेयर लगा? संचालन फेयर नहीं था। हाँ। इतनी जल्दी उसको स्टार्ट नहीं करना था गेम। हाँ। अच्छा, जय भी जैसे अंदर थे? हाँ, जय अंदर थे और उन्होंने कील छुपा दी थी उनकी, और इसने गेम इधर स्टार्ट कर दिया था, तो इसको वैसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, और प्रतीक ने जिस तरह से किया, सही लगा प्रतीक का गेम? कैसा लगा? प्रतीक को भी नहीं करना चाहिए था। अच्छा। सर, बिग बॉस 15 फॉलो कर रहे हो? हाँ जी, हाँ मैं करता हूँ। ओके कल के जो हमने टास्क में देखा, संचालन का जिम्मा दिया था तेजस्वी को, तो कैसा लगा आपको उनका संचालन? पहले तो बहुत अनफेयर लगा उनका संचालन, और जिस तरह से उन्होंने संचालन किया, नेक्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि वो संचालन नहीं करना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगा कि अनफेयर था जो जय के साथ हुआ, वो काफ़ी अनफेयर था। मतलब क्या करना चाहिए था, मतलब आपको फेयर नहीं लगा? देखो, ऐसे एज अ संचालन की ड्यूटी रहती है कि जो भी कंटेस्टेंट आते हैं तो उनके साथ एक बोलते ना इक्वालिटी होनी चाहिए, तो मेरे को तो इक्वालिटी पहली बात नहीं लगी। जय अंदर था, उन्होंने टास्क शुरू कर दिया। जय अंदर था, उन्होंने टास्क शुरू कर दिया। मैं भी ऐसा बोल सकता हूँ, बायस थे वो, तो मेरे को वैसा लगा। अच्छा, इसके अलावा प्रतीक का गेम कैसा लगा? देखो, प्रतीक का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द वे ही वॉज प्लेइंग इन बिग बॉस OTT, एट द सेम वे ही इज प्लेइंग इन बिग बॉस 15, और मुझे लग रहा है कि कुछ चेंजेस नहीं है। कोई भी टास्क शुरू होने से पहले ही इज डूइंग समथिंग विच कैन अवॉइड द टास्क टू बी डन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज प्लेइंग द सेम वे एज ही वॉज प्लेइंग इन बिग बॉस OTT। बीच में हमें लगा था कि वो चेंज हो गए, तो आपको फिर से लग रहा है कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? देखो, क्या होता है पता है, कि किसी चीज़ के ना लाइक किसी की आदत पड़ जाती है, नॉर्मली किसी चीज़ को आदत पड़ जाती है, वो आदत छूट जाती है 2 मिनट के लिए, फिर वापस से वो आदत पकड़ लेते। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन अ शॉर्ट वे आई वुड लाइक टू से द वे ही वॉज प्लेइंग इन बिग बॉस OTT, द सेम गेम ही इज प्लेइंग इन बिग बॉस 15, एंड टॉकिंग अबाउट शमिता शेट्टी, तो उधर भी उन्होंने लीडरशिप दिखाई और यहाँ भी लीडरशिप ही दिखा रही है वो। ओके मैम, बिग बॉस 15 फॉलो कर रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जो सेलिब्रिटीज़ है, बिकॉज हमने देखा है कि इस बार सेलिब्रिटीज़ भी आई है, और जिन OTT पे जो शमिता प्रतीक इन लोग की बात करें, तो उन लोग भी आए हैं, सो ओके देख रहे हैं। ओके कल के हमने टास्क में देखा तेजस्वी ने संचालन किया पहली बार, तो कैसा लगा उनका संचालन? सी, हम लोग ने तेजस्वी को हमेशा देखा एक सॉफ्ट प्यारे नेचर में, एंड वो हमेशा क्यूट लगती है एज वेल, कि हम जानते उसकी हर एक सीरियल की बात करें, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव कैरेक्टर, सो तो हमेशा अपने में मस्त है। बट जो उनको दिया गया, देखो बेसिकली हमेशा कोई भी आए ना, वो अचानक से उसको कुछ जिम्मेदारी मिलते तो वो घबरा जाते। सो हम कल की बात करें तो तेजस्वी ने कहीं पर लगी कि वो थोड़ी सी कन्फ्यूज है, बट सो के वो ठीक हो जाएगी, बिकॉज जय के साथ भी उनकी थोड़ी सी बॉन्डिंग। हाँ, थोड़ी देखो बहस होने में भी टाइम नहीं लगता, बॉन्डिंग होने में भी टाइम नहीं लगता है, सो लेट्स सी आगे किसके साथ बॉन्डिंग रहता है, किसके साथ झगड़ा होता है। ओके प्रतीक के गेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रतीक के बारे में ये बोलूँगी, देखो प्रतीक को हम OTT में भी फॉलो किया है, क्योंकि उसको हमेशा से घर वाले के साथ नहीं बनती थी, बिकॉज हमने OTT में भी देखा है कि जो प्रतीक की बॉन्डिंग किसी से भी हमेशा बनती है, बनते बनते बिगड़ जाते हैं। सो प्रतीक चाहता है कि कोई भी टास्क हो उसके पहले ही बंद हो जाए, ये बंद पता नहीं वो क्यों करता है ये सब, क्या सलमान ने भी उसको डांटा था, तो क्या लगता है चेंजेस आए उसमें? नहीं, मुझे नहीं लगता चेंजेस आए, और प्रतीक ऐसा लगता है कि खुद जब बाहर निकल नहीं पा रहा, तो किसी और को भी बाहर निकलने नहीं देना चाहता है वो।
अच्छा ये बताइए कि कल हमने शो के लास्ट में देखा कि तेजस्वी और करण कुंद्रा बात करते हुए दिख रहे थे, तो क्या आप इनकी जोड़ी को आगे देखना चाहेंगे? बिग बॉस के घर में हर साल जोड़ी बनती है, जोड़ी बिगड़ती है, एंड कुछ कुछ जोड़ी ऐसी है जो बिग बॉस 13 की बात करें या 14 की बात करें, काफ़ी जोड़ी बनी है जो बहुत बाहर अभी भी चल रहे हैं। हाँ अभी हाँ बोल नहीं सकते बिकॉज अभी की जो करंट सिचुएशन है सिद्धनाथ को लेके, सो उसमें मैं कमेंट्स नहीं करना चाहूँगी, बट सिद्धनाथ जो शहनाज है उसको बहुत सारे फैंस की प्यार मिल रहा है, हमारी भी प्यार है उनके साथ, सो बोलना चाहूँगी ठीक है देखते हैं। अभी दोनों क्यूट तो लग रहे हैं काफ़ी, अब जोड़ी आगे कब तक कितने टाइम तक चल पाए लेट्स सी, या शो के बाद या TRP मिलने के लिए चल रहा है देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमने शो के लास्ट में देखा करण कुंद्रा और तेजस्वी थोड़ी सी बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, क्या आप उनकी जोड़ी आगे देखना चाहेंगे एज अ कपल भी? नहीं देखना चाहेंगे नहीं। ओके और कौन फेवरेट कॉन्टेस्टेंट है आपका? कोई भी नहीं अभी तक, कोई भी पसंद नहीं आते? नहीं। अच्छा ओके थैंक यू। जैसे उसमें चल रहा है लास्ट में हमने देखा कल तेजो और करण की थोड़ी सी बातचीत चल रही थी, तो क्या आप आगे देखना चाहेंगे ना एज अ कपल? हाँ हाँ जब कपल होते हैं तो मजा आता है गेम में। अच्छा लग रहा है इनकी जोड़ी बन सकती है आगे? बन सकती है देखते हैं अभी 2-3 वीक। ओके और बिग बॉस में कोई पसंद आ रहा है आपको? जय भानुशाली। तो कल जय के साथ साथ देना चाहिए था तेजस्वी को? हाँ हाँ देना तो चाहिए था। अच्छा पर वो भी गेम है, वो भी क्या करेगी। ओके थैंक यू सो मच। और सर हमने कल के गेम में देखा, लास्ट में हमने शो में देखा कि तेजू और करण कुंद्रा थोड़ी सी बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या आप इनकी जोड़ी को आगे देखना चाहते हैं एज अ कपल? देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट करण कुंद्रा है। okay. तो मैं देखना चाहूँगा कि करण, देखो टॉप 5 में तो करण कुंद्रा डेफिनेटली है, जय इज ऑल्सो देयर, तो मैं आगे देखना चाहूँगा करण कुंद्रा को। और मे बी मैंने सुना था कि करण कुंद्रा की एक्स गर्लफ्रेंड भी आने वाली है, तो अगर वो आ जाती और ये तेजस्वी का जो लव ट्रायंगल दिखने मिलेगा आगे तो काफ़ी अच्छा होगा एज अ व्यूअर। अच्छा आपको लग रहा है कि लव बन सकता है तेजो और उसका करण का? अगर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है तो लव ट्रायंगल जो बनेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और जो तेजस्वी और करण कुंद्रा का आप जैसा बता रही हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा देखने में, और एज अ व्यूअर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड क्योंकि बिग बॉस में बहुत सारे कपल्स आते हैं बट देखते हैं कौन सक्सेसफुल होता है कौन सक्सेसफुल नहीं होता है। थैंक यू सो मच। तो गाइस पब्लिक ने तो बता दिया कि तेजू का संचालन उन्हें फेयर लगा, अनफेयर लगा प्रतीक के गेम के बारे में, और स्पेशली कुंद्रा, करण कुंद्रा और तेजू की जोड़ी लोग देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, आपको क्या लगता है आप भी बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।